हमारे चैनल मिस्टीरियस ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको हॉरर जॉनर में इंटरेस्ट है, और अगर आपको हॉरर जॉनर में इंटरेस्ट है तो आपने कभी ना कभी किसी न किसी हॉरर फिल्म में एक कैरेक्टर को पजेस्ट होते हुए ज़रूर देखा होगा। इन पजेशन की सीन में हम एक इंसान को अपने मेंटल स्टेट खोते हुए देखते हैं और उस इंसान के शरीर पे किसी और आत्मा का अधिकार हो जाता है। लोकल लैंग्वेजेस में हम इसे भूत चढ़ना भी कहते हैं, और आप में से कुछ लोगों ने गांव में लोगों को भूत चढ़वाते हुए भी देख रखा होगा। वैज्ञानिक इस फिनोमेना को स्प्लिट पर्सनैलिटी या फिर एपिलेप्सी का नाम देते हैं, लेकिन कुछ लोग पजेशन को मानते भी हैं। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक के ऊपर बातें करेंगे और पजेशन को साइंटिफिक और स्पिरिचुअल दोनों तरीके से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। सो वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो इस वीडियो को भी एंड तक जरूर देखें। और अगर आपने मेरी द सीक्रेट ऑफ नंबर 7 वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक है। इस वीडियो को खत्म होने के बाद उस वीडियो को भी जाके जरूर चेकआउट करें। सो बिफोर वी विल स्टार्ट अवर दिस वीडियो, लेट्स स्क्रॉल आउट द इंट्रो। दोस्तों, अगर हम डेमोनिक पजेशन की बात करें तो हमें पता चलता है कि इन चीज़ों पे लोग अर्ली ब्रोंज एज से ही भरोसा करते आ रहे हैं। एंशियंट इजिप्ट और इंडस वैली सिविलाइजेशन के वक्त भी लोग इन चीज़ों को मानते थे, और कई पुराने सभ्यताओं में भी इन प्रक्रिया का वर्णन है। सुमेर सभ्यता, जो कि साउथर्न मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, वहाँ के लोगों का मानना था कि इंसानी शरीर में हर एक बीमारी किसी तरह का डेमोनिक पजेशन है। जी हाँ दोस्तों, उनके हिसाब से हमारी दुनिया में सिकनेस डिमंस है जो कि एक इंसान को बीमार कर देता है। उन दिनों लोगों की बीमारी ठीक करने के लिए एक्सोरसिज्म किया जाता था, और जो लोग इस प्रक्रिया में निपुण थे उन्हें शिपू बोला जाता था। शिपू शब्द का अर्थ होता है सॉर्सरर, और उस शब्द का अर्थ है फिजिशियन। इससे आप समझ पा रहे होंगे कि उन दिनों भी लोगों के मन में दो विचारधारा थी। पहली, जहाँ लोग एक बीमारी को डिमन से एसोसिएट करते थे, और दूसरी, जहाँ बीमारी को लोग एक फिजिकल कंडीशन मानते थे। एंड नाउ कमिंग इन टू द 16th century, उन दिनों लोगों को विचेस को काफी मानते थे, और अगर कोई भी इंसान बुरी तरह से बीमार पड़ता था, अगर उस बीमारी के बारे में किसी को नहीं पता तो लोग उसे विचक्राफ्ट का शिकार भी मानते थे। उस जमाने में सलेम इज़राइल जैसे घटनाएं भी हुई थी, जहां लोगों ने कई इंसानों को विच बोलकर सूली पे चढ़ा दिया था। वह भी अगर कोई एक इंसान मेंटल या फिर फिजिकल सिकनेस का साइंस शो करता था तो उसे भी डेविल द्वारा पजेस्ट मानते थे। पजेशन की कहानी आपको कई धर्मों में भी मिल जाएगी, और हर जगह इस चीज़ को अलग तरह से डिपेक्ट किया गया है। क्रिश्चियनिटी में कैथोलिक एग्जॉर्सिस्ट ने डिमन की एक्टिविटी को 6 तरह से एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट वन है पजेशन, जहाँ पे एक डीमन किसी इंसान के शरीर को अपने बस में कर लेता है, ये काम उस डीमन उस इंसान के बिना इजाजत के करते हैं। सेकेंड इज ऑब्सेशन, जहाँ पे इंसान को सडन अटैक्स आते हैं, और इन अटैक्स की वजह से इंसानी दिमाग उल्टी सीधी चीज़ें सोचने लगता है। कई बार ऑब्सेशन के विक्टिम सुसाइड भी कर लेते हैं। थर्ड है ऑपरेशन, यह एक इंसान पर फिजिकली या फिर मेंटली अटैक नहीं होता, बल्कि अटैक उसके सोशल स्टेट, धन और फैमिली पे होता है। फोर्थ पे हमारे पास है फिजिकल अटैक ऑन द विक्टिम, और फिफ्थ पे हमारे पास है इन्फेस्टेशन, जिसमें घर चीज़ या फिर पेट्स को इफेक्ट होता है। और फाइनली सिक्स्थ पे है सब्जेक्शन, जिसमें इंसान अपनी मर्जी से खुद को शैतान के हवाले कर देता है। अब दोस्तों, हिंदुइज्म में भी पजेशन का कॉन्सेप्ट रीजन बेसिस पे डिपेंड करता है, जहाँ अलग अलग क्षेत्रों के लोग अलग अलग बातों पे भरोसा रखते हैं। यह एक कॉमन चीज़ यह है कि स्पिरिट्स दो तरह की होती है, एक अच्छी और एक बुरी। अगर कोई इंसान एक अच्छी स्पिरिट द्वारा पजेस्ड होता है तो उसका काफ़ी कुछ भला हो जाता है, और वही अगर एक इंसान बुरी स्पिरिट द्वारा पजेस्ड होता है तो उसका बुरा ही होता है। इस्लाम में भी हम जिन और डेबल्स के बारे में जान सकते हैं, जो कि एक इंसान को अजीब तरह से बर्ताव करने में मजबूर कर सकता है। सिमिलरली कई और धर्मों में भी पजेशन को अलग अलग तरीकों से हमारे सामने रखा गया है, पर इनके बीच एक सवाल जो हमारे मन में आता है कि क्या पजेशन के कॉन्सेप्ट सही है या फिर सब एक अंधविश्वास है। अब साइंस की माने तो पजेशन और कुछ नहीं बल्कि एक फिजिकल और मेंटल बीमारी है, जहाँ पे एक इंसान अपना कंट्रोल खो देता है। अलग अलग पजेशन अलग अलग बीमारी का संकेत है, और इनमें से सबसे कॉमन है मल्टीपल पर्सनैलिटी एंड एपिलेप्सी। दोस्तों, आप में से कई लोग एनिलीज मिचेल के केस के बारे में ज़रूर जानते होंगे, जहाँ चर्च क्लेम कर रही थी कि विक्टिम 6 स्पिरिट द्वारा पजेस्ड है, लेकिन डॉक्टर्स का कहना था कि एनिलीज को टेम्परल लोब एपिलेप्सी की वजह से साइकोसिस हो गई थी। सिमिलरली हमारे सामने लोरेंडो की एक्सोरसिज्म की केस भी आती है, वह भी कुछ सुपरनेचुरल एक्टिविटी हुई थी, लेकिन डॉक्टर्स ने काफ़ी कोशिश करी इन एक्टिविटीज़ को वो किसी मेडिकल कंडीशन द्वारा जस्टिफाई कर सके। फिल्म भूल भुलैया में हमने इस कॉन्सेप्ट की एक बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन देखी थी, जहाँ स्पिरिचुअलिज्म और साइंस का एक अच्छा ब्लेंड था, और हम व्यूअर्स को अपने सारे क्वेश्चंस का आंसर साइंटिफिक वे में भी मिल गया था। पर रियल लाइफ में भी मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के केस भी कुछ ऐसे ही होते हैं।
तो इस वीडियो को एंड करने से पहले हमारे सामने दो कंक्लूजन आते हैं। पहला ये कि डेमन और स्पिरिट्स हमारे दुनिया में होते हैं और ये किसी एक इंसान को पजेस भी कर सकते हैं, और दूसरा कंक्लूजन है कि पजेशन हमेशा से एक फिजिकल और या मेंटल कंडीशन रहा है जहाँ लोगों ने इसको ट्रीट करने के लिए अलग अलग विधि निकाली। कई लोग इसे मेडिटेशन ट्रीट करते थे और कई लोग इसे एग्जॉर्सिज्म से। तो आपको क्या लगता है, पजेशन सच में होता है? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और अगर आपको किसी पजेशन की केस की एक्सपीरियंस है तो भी हमें कमेंट में ज़रूर शेयर करें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें।